शैम्पू में बस ये दो चीज़ें मिला करके अपने बालों में लगा लें। बाल आपके इतने ज़्यादा लंबे, काले, घने, मुलायम हो जाएंगे कि बिल्कुल भी संभाले नहीं संभलेंगे। दोस्तों मेरे बाल भी पहले बहुत ही छोटे थे, लेकिन अब मेरे बाल बहुत ही अच्छे, लंबे, घने, काले हो गए हैं क्योंकि मैं ये वाला DIY ट्राई करती रहती हूँ। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है, ट्राई ज़रूर करिएगा। आपके बालों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगी। ग्रे हेयर जो है, ख़ासतौर पर वाइट हेयर जो होते हैं वो ब्लैक होने लगेंगे, बालों में एक अलग सी नेचुरल जो है शाइन ऐड हो जाएगा, आपके बाल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है, वो भी आपके किचन से, जो कि आपको लेना है चाय का पत्ती। चाय का पत्ती दोस्तों हम चाय बनाने के अलावा बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बालों की ग्रोथ कराने में बहुत ज़्यादा असर होता है इसका। इसके साथ साथ ही हमारे बालों को काला करने में चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं चाय के पत्ती के। इसलिए दोस्तों चाय का पत्ती, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको चाय अगर आप नहीं भी पीते हैं तो घर में ज़रूर रखना चाहिए इस तरीके का DIY करने के लिए। अगली सामग्री जो लेनी है दोस्तों, वो लेनी है आपको प्याज, अनियन। प्याज दोस्तों गुणों का भंडार होता है। प्याज में सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं और ये पाया जाता है इसके अंदर प्रोटीन और एमिनो एसिड्स वगैरह, कैल्शियम, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बालों को नेचुरली बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कराता है, बालों की टूटने झड़ने की जो समस्याएँ होती है उसको दूर करता है, और उसके साथ साथ हमारे बालों में जैसे इन्फेक्शंस, जुए वगैरह हो जाती है, डैंड्रफ भी हो जाती है, उसको दूर करने में जो है प्याज का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों प्याज कच्चा खाने से भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमें जैसे गर्मी के मौसम में जो अक्सर लोगों को देखिएगा कहा जाता है कि उसको लू लग जाती है, वो नहीं होगा, गर्माहट को कम करता है। इसलिए प्याज का इस्तेमाल दोस्तों हर तरीके से करना चाहिए आपको। अगली सामग्री आपको लेनी है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता दोस्तों गुणों का भंडार होता है। बहुत सारे लोगों को इसकी जो खासियत होती है वो पता नहीं होती है। तेज़पत्ता जो है दोस्तों हमारे बालों की ग्रोथ कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बालों को नेचुरली शाइनी लेकर के आता है, बालों को नेचुरली काला करने में हेल्प करता है, बालों को सिल्की शाइनी करने में हेल्प करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। दोस्तों अगर आपके बालों की जड़ें मजबूत रहेंगी तो बालों का टूटना झड़ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों बालों की जड़ों को मजबूत रखना बेहद ज़रूरी है, हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी है। तो देखा मैंने अभी एक छोटे से प्याज को किस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट किया है। तो प्याज को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है, उसमें आपको डाल देना है 2 से 3 तेज़पत्ता, और उसके बाद लेना आपको चाय का पत्ती। तो क्या करना है आपको, आपको लेना है कोई भी बर्तन जिसमें भी आप चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें आपको 1 ग्लास पानी ले लेना है दोस्तों, और उस पानी में आपको डाल देनी है आपको आज की हमने जो सामग्री ली है वो सामग्री डाल देनी है। तो 1 ग्लास पानी डालने के बाद उसमें आपको चाय का पत्ती आपको डाल देना है, तेज़पत्ता, और आपको डाल देना है प्याज। दोस्तों सभी के सभी जो है गुणों से भंडार होता है, भरपूर होता है, और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ें जो है पानी में ऐड करके, और इस पानी को दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से उबालना है। उबालने के लिए यहाँ पर आपका टाइमिंग जो है दोस्तों 10 से 12 मिनट का हो सकता है। तो पानी का आपको यहाँ पे कम से कम 10 से 12 मिनट तक अच्छे से उबाले, ताकि जो प्याज है बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट लुक में आ जाए, चाय के पत्ती का पानी का असर बहुत ही अच्छे से हो जाए, तेज़पत्ता का असर पानी में आ जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पानी को अच्छे से छान लेना है। आप देख सकते हैं पानी का कलर कितना बढ़िया हो गया है, और उसके साथ साथ ही प्याज का कलर भी बहुत ही लाइट हो गया है। इतना ही देर तक आपको अच्छे से सब पानी को उबालना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है आपके फेवरेट शैम्पू, जो भी आप शैम्पू करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ बहुत सारे शैम्पूज़ में जो कि बहुत ही नेचुरल होते हैं वो यूज़ करें। सभी के लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। सभी के सभी शैम्पू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों की हेल्थ के लिए स्पेशली। बालों का टूटना झड़ना तो रुकता ही रुकता है दोस्तों, बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से आपको जो भी आप शैम्पू लगाते हैं, कोशिश करें कि बहुत ही कम केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करें, हर्बल शैम्पू यूज़ करें, नेचुरल शैम्पू यूज़ करें। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके आपको एक बहुत ही बढ़िया सा शैम्पू फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद इसी से आपको दोस्तों अपने बालों को वॉश करना है, धोना है, बालों को शैम्पू करना है। अब बहुत सारे लोग शैम्पू तो करते हैं बहुत ही जल्दी अपने जो है स्कैल्प को, फिर वॉश भी कर लेते हैं, तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक अपने स्कैल्प पे इसको लगे रहने देना है, 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दे, उसके बाद ही आपको नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करना है। 5 से 10 मिनट तक जैसे हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर ले, और वॉश करने के बाद दोस्तों आपके बाल एकदम इतने बढ़िया आपको खुद फील होगा, बालों की एक अलग सी ग्रोथ लगेगी, शाइन लगेगी, चमकीली चमकीले आपके बाल लगेंगे।
बालों में एक अलग सी शाइन लगेगी दोस्तों, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बाल हो जाएंगे। पहले बार के इस्तेमाल से आपको बेहद फ़र्क नज़र आएगा। ये वाला नुस्खा आपको महीने भर करके देखिए, मतलब वीक में दो बार कीजिए, महीने भर करके देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर इसका बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। टूटना झड़ना बंद हो जाएगा, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बाल आपके सुंदर मुलायम खूबसूरत हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही ईजी और सिंपल सा नुस्खा है, करके देखिए और बताइए हमें कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।